नमस्कार, आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज चैनल। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष सह एनसीपी के प्रदेश महासचिव विनय कुमार सिंह और बिनु सिंह ने हुसैनाबाद स्थित पार्टी कार्यालय में कहा कि बालू को लेकर लगातार दो वर्षों से हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में भवन निर्माण व विकास कार्य प्रभावित है। इस संबंध में स्थानीय विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कई बार विधानसभा में के माध्यम से आवाज बुलंद की है, मगर आज तक सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। वरीय अधिकारी बालू का अवैध कारोबार अपने अधीन अधिकारियों के मध्य कराकर सरकारी खजाने में सेंध लगा रहे हैं। यह जनता के साथ बड़ा धोखा है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड से बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं करने के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। बालू घाटों की बंदोबस्ती होने से सरकार को राजस्व भी मिलता और आम लोगों को बालू आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध होता। अधिकारी बालू की कालाबाजारी करा रहे हैं, अपने जेब भरने में लगे हैं। वहीं राज्य में भवन निर्माण, सड़क, पीएम आवास समेत सभी विकास के कार्य ठप हैं। सरकार और अधिकारियों से उन्होंने जानना चाहा कि जब राज्य में बालू घाट का बंदोबस्ती नहीं हुआ है तो भवनों, सड़कों आदि का निर्माण कैसे हो रहा है। पुलिस की मिलीभगत कर बालू का अवैध कारोबार हुसैनाबाद समेत पूरे राज्य में फल फूल रहा है और यह पैसा कहां तक जाता है सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में निजी निर्माण कार्य के साथ साथ सरकारी योजनाएं भी अधर में लटकी है। निजी आवास निर्माण कर्ताओं ने पत्थर के डस्ट का उपयोग कर निर्माण करने को मजबूर हैं। निजी घरों का निर्माण कर रहे लोग परेशान हैं, बालू के अभाव में उनका भवन निर्माण का काम बंद है। संवेदकों ने बताया कि उन्हें आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, भवन, सड़क निर्माण करना है। बालू के अभाव में वह कार्य नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बालू के अभाव में विकास कार्य ठप हो जाने से राजमिस्त्री, मजदूर और अन्य कारीगरों का पलायन दूसरे राज्यों में होने लगा है। सीमेंट, ईंट, छड़ का व्यवसाय करने वाले लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि सरकार 10 दिनों के अंदर निर्णय नहीं लेती है तो एनसीपी जनता के साथ मिलकर जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होगी। झारखंड प्रदेश में बालू की घोर किल्लत, या यह कहिए कि सरकार की मिलीभगत और प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से यह बालू की खुला खुला लूट हो रही है। झारखंड में टेंडर प्रक्रिया नहीं कर डायरेक्ट दो नंबर से बालू यहाँ निकल रहा है। आज 3.5 साल हो गया यह बालू की बने टेंडर नहीं हुआ है, और उसके बाद लगातार बने विकास का टेंडर कर रहे हैं। इंदिरा आवास हो रहा है गरीब का, विकास का टेंडर सरकार कर रहा है, प्राइवेट मकान बन रहा है, सारा कैसे बन रहा है, कैसे बनेगा, कैसे टाइम पर काम होगा, टाइम पर काम नहीं होगा, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दीजिएगा, 3% काट लीजिएगा। तो आखिर झारखंड का क्या विकास चाह रहे हैं आप, क्या सोच है आपका? केवल ब्यूरोक्रेट झारखंड में बैठ के पैसा लूट रहे हैं, कोई इन लोगों झारखंड के तरक्की या विकास से मतलब नहीं है। लेबर दर दर भटक रहा है, काम करने वाला मजदूर जो है मिस्त्री भटक रहा है, ईंटा छड़ी बालू वाला बिक्री नहीं हुआ, छड़ का सारा बिजनेस 50% झारखंड का ठप है। आखिर इस तरह से विकास कैसे होगा? क्या आप सब बात दिखा रहे हैं बड़का बड़का पोस्टर होर्डिंग लगा के विकास का? अब जनता आप लोगों को दौड़ा के मारेगी सड़क पर, तभी आप लोग सुधरिएगा। यहाँ का नेता, यहाँ का अफसर, यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के अफसर, ब्यूरोक्रेट्स, हम खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर एक हफ्ता के अंदर आप लोग इस पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए तो हम लोग अपने क्षेत्र में विधानसभा में हुसैनाबाद में रोड पर उतरेंगे और सारा ठप कर देंगे, हर काम ठप करेंगे, यहाँ से रांची तक, पलामू, रांची, उत्तराबाद, सब जगह ठप करेंगे, हर चीज जाम करेंगे। अब जब बर्दाश्त, आप जनता के लिए बैठे हैं, इन्हें कि लूटने के लिए बैठे हैं झारखंड में? आई एस बन गए तो झारखंड का मालिक हो गए, आप मुख्यमंत्री बन गए झारखंड का मालिक, राजा हो गए, खेत जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है प्रशासन नेता का। हम लोग अपने नेता के आदेश माननीय, हम लोग विधायक कमलेश कुमार सिंह का आदेश नहीं मिल रहा है, इसीलिए जनता चुप है। जिस दिन उनका आदेश मिल गया उस दिन हुसैनाबाद को हम लोगों ने एक काम ही होने देंगे, हुसैनाबाद चलने देंगे, प्रशासन में सारा काम ठप कर देंगे, बस हम लोग का आदेश का इंतजार है। अब जनता का सब कमांड टूट गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की दिया सारा छड़ी, लेबर, बालू, मेटेरियल सारा बैठा हुआ है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। एक तरफ अकाल पलामू में हो गया, एक तरफ सारा सिस्टम ठप है, कोई काम विकास का नहीं हो रहा है। आखिर कहाँ जाए? बगल में स्टेट है यूपी, योगी जी, यहाँ देखिए कितना बढ़िया काम हुआ हो रहा है विकास का, कोची का फंड दे रहे हैं, कोची का असी कर रहे हैं, खाली सारा लूट हो रहा है। कागजी यहाँ काम कहाँ हो रहा है? समाज नहीं है तो काम कहाँ हो, बालू काम कहाँ से हो रहा है? यू ट्रैक्टर 500 में मिलता था, वो ट्रैक्टर 3000 में नहीं मिल रहा है बालू, और दो नंबर कहीं ना तो रात में पूरा दो नंबर निकल के स्टेट से बाहर बालू जा रहा है। क्या हो रहा है ड्रामा झारखंड में?
और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रशासन को लास्ट अल्टीमेटम है, देखिए हमारे माननीय विधायक मुख्यमंत्री जी को दिए हैं चिट्ठी, जीएसएमडीसी को दिए हैं, इनको दिए हैं चिट्ठी 22 मई 23-5 को, जीएसएमडीसी एमडी को दिए हैं, बालू के इंचार्ज यही हैं 13-6 उसके बाद 5 बार विधानसभा में अभी तक क्वेश्चन किया गया है 2020 से लेकर अभी तक 2023 तक 5 बार क्वेश्चन किया गया है, लेकिन आज तक सरकार के कान पर जू नहीं लग रहा। क्या आप ये मानते हैं जब एक विधायक दिवस है शराब माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया, यही सरकार चला रहा है, लूट माफिया, हर तरह के काम में विकास की लूट, यही सरकार चला रहा है, जनता तो त्राही माम है। आखिर जो 3,000 रुपए बालू मिल रहा है वो किसके पॉकेट से पैसा जा रहा है? क्या आईएएस के पॉकेट से पैसा, जनता के पॉकेट से पैसा जा रहा है? जो बालू 500 मिल रहा था 3,000 मिल रहा है, किसके पॉकेट से पैसा जा रहा है? किसके साथ लूट हो रहा है? गरीब जनता के साथ लूट हो रहा है।